अक्सर जो YouTube का पेमेंट उठाते थे तो हर महीने डॉलर जो फॉरेन कंट्री से आता है तो रिसीव हो जाता था, बट इस महीने हमारा 26 से 27 तारीख तक लास्ट पेमेंट जो विड्रॉल हो जाता है यूनियन बैंक खाते में, बट इस पर पता नहीं क्या हुआ कि पेमेंट अभी तक विड्रॉल ही नहीं हुआ। सर से पेमेंट रिलीज कर दिया गया है बट अभी तक 31 सितंबर हो गया, ये 1 सितंबर हो गया, अभी तक पेमेंट यहाँ नहीं आया। इनका नाम है राजा बाबू कुमार, ये ब्लॉगर हैं यूट्यूब पे। यूनियन बैंक वाले जो है हमारा पैसा जल्द से जल्द ट्रांसफर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी चलते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हम लोग, आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे। आईफोन 13 प्रो मैक्स हमने लिया था, आईफोन 14 प्रो मैक्स की लेने की तैयारी चल रहा है, बट एक प्रॉब्लम हो गया है कि अभी तक हमारा यूट्यूब का पेमेंट नहीं आया है। 1 तारीख है, आज है, कथी है, कौन है, अक्टूबर है तो सितंबर नवंबर अक्टूबर है, बुर्बक कहाँ के अक्टूबर है, बेवकूफ लड़की है ये, पढ़ती लिखती है फिर भी ऐसा कर। 1 अक्टूबर हो गया है हमारा, 25 सितंबर तक, 26 सितंबर तक पेमेंट आ जाना चाहिए था। तो अभी हमें जाना है बैंक, बैंक इसलिए जाना है क्योंकि हमने खाता को अपडेट नहीं कराया, कभी भी बैंक से जाकर के पेमेंट नहीं निकाला, हमने स्थानीय ग्रामीण बैंक से हमने पेमेंट निकाला था, तो इस वजह से शायद हो सकता है ट्रांसफर करने में कुछ गड़बड़ी हो गया होगा। हमने एडसेंस वगैरह सारा कुछ चेक कर लिया, सभी भैया लोगों से, जितने जो टेक्निकल महागुरु हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स, उनसे हमने पूछ लिया कि पेमेंट में क्या प्रॉब्लम है, 30 तारीख हो गया भैया अभी तक नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि आप एक बार जाकर चेक कर लो क्योंकि डॉलर से तो आने में प्रॉब्लम हो ही जाता है। बाकी अभी मौसम का नज़ारा आप लोग देख ही सकते हो, बाकी ये मोटी मोटी गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हो, खाली खाली ना करे तरह, चलो भागो, चलो तुम्हारा पढ़ने का टाइम हो गया, निकलो निकलो निकलो, भागो 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 जल्दी। इधर है आपकी प्यारी सी मम्मी जो पेमेंट का हर महीने इंतजार करती है, तो मम्मी जी का आशीर्वाद भी लेना जरूरी है। और इधर आके क्योंकि साफ नहीं आता, गुड मॉर्निंग बोल दो। चलो अभी बैंक में जाकर के चेक कर लेंगे कि पेमेंट क्यों नहीं आया। गुड मॉर्निंग मेरे भाई बहन, कितना देख रहे हैं सब, बेटा बेटी मुस्कान के साथ एकदम, सुबह के पहर सभी को आशीर्वाद है भरपूर माता रानी की तरफ से। तो भाई यही टेंशन में है 2-3 दिन से, हम सोच रहे आप लोग को बताए कि ना बताए, तो आप लोग भी सजेशन दो ऐसा क्यों होता है अगर आप लोग को जानकारी है तो। तो भाई अभी मस्त खाना वाना खाएंगे, नहावा लिए, मम्मी से आशीर्वाद भी ले लिए, तो सीधे निकलेंगे बैंक के लिए क्योंकि 9 बजने वाला है, 9-10-11 बजे पहुँचे ना, नहीं 10 बजे ही जाना है। 10 बजे जाने से पहले सबसे पहले वीडियो को एडिटिंग करना है, उसके बाद ही कोई काम करना होगा क्योंकि उसे एडिटिंग करके सेव कर दिए हैं, अभी अपलोड कर देना, अपलोड पे लगा करके फ़ोन को चार्ज में लगा करके बैंक चले जाएंगे। एक घर ब्लॉग को हमने अपलोड कर दिया है, घर को लगा देते हैं, नहीं तो बिल्ली सारा खाना को बर्बाद कर देगी। खाना भी बन के रेडी हो चुका है, खरगोश का थोड़ा सा पिंजरा जो है टूटा हुआ है, कहीं बिल्ली ना परेशान करे तो उसके नीचे सूप लगा दिए, अभी पिंजरा जैसे पेमेंट लेके आएंगे तो चेंज कर देंगे। पेमेंट आज तो नहीं आ पाएगा बट जब भी देखें, जब तक आ जाए बढ़िया रहेगा गाइस। आधार कार्ड रख लिया हम, हाँ मम्मी चलिए ना, आएंगे तो खा लेंगे, ऐसे फॉर्मल चलना पड़ेगा। पैर में घाव है गाइस, इसमें ये देखो ये दबा हुआ है ना, ये दब जाता है, बड़ा दर्द होता है। नीचे आते ही मम्मी जी पूजा करने की वजह से पंखा भी चालू करके रखी हुई है और यहाँ हुमाद भी हो रहा है, चारों तरफ धुआं ही धुआं है बताए। अभी बोले एक फ़ोटो निकाल करके लाओ क्योंकि खाता ATM वगैरह सब कुछ हमने इसमें रख लिया है, ये घर में ताला लगाना है। देखिए कौन सा फ़ोटो, हाँ तीनों लेना लीजिए, तीनों में से कोई भी चल जाएगा, हाँ वो भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, वो वाला ले लीजिए, कोट वाला ले लीजिए, हाँ वो ये वाला ले लीजिए, हाँ ये चल जाएगा, ठीक है। ये देखिए बचपन का तस्वीर है गाइस, ये मेरा पहले कितना हैंडसम घोड़ा थे, अब काला कलवा हो गया टेंशन से। चलो अभी लेट हो रहा है, रख लीजिए, ठीक है लाइए, इसके लाइए हम रख लेते हैं। ये तो रेडी हो गई बैंक पे चलने के लिए, अब एक ही प्रॉब्लम है, ये दरवाज़ा इतना टाइट है ना, इसको जोर से खींचना पड़ता है, लगा तो मम्मी लगा लो खींचो। ताला लगाता कहीं ऐसा ना हो कि सुहानी जल्दी पढ़ के आ जाए तो फिर इसको प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा, हम रागनी थे सुहानी थे, मम्मी जी घर में ताला मार के चली गई थी, ऐसा हो गया। चले मम्मी, चलो भाई सीधे मिलते हैं आप लोग से बैंक पे। फाइनली बैंक में पहुंच चुके, आज ऐसा लगा था कि बंद है बैंक क्योंकि आज शनिवार है ना, इसीलिए खुला है, हमारा काम हो जाए कम से कम। बैंक में तो आ गए, एक भी स्टाफ नहीं है, वेट करना होगा गाइज। ये हमारा गांव का ग्रामीण क्षेत्र का बैंक पड़ जाता है। अक्सर जो YouTube का पेमेंट उठाते थे तो हर महीने डॉलर जो फॉरेन कंट्री से आता है
तो रिसीव हो जाता था, बट इस महीने हमारा 26 से 27 तारीख तक लास्ट पेमेंट जो विड्रॉल हो जाता है यूनियन बैंक खाते में, बट इस बार पता नहीं क्या हुआ कि पेमेंट अभी तक विड्रॉल ही नहीं हुआ है। पेमेंट में बड़ा प्रॉब्लम हो गया है और जो हमारे मैनेजर साहब उन्होंने बोला है कि आपको एडसेंस को फिर से चेक करना है कि वहाँ से पैसा विड्रॉल हुआ है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे खाता चालू सब कुछ सही दिखा रहा है और दो तीन दिन तक सारा काम क्लोज कर दिया गया था यूनियन बैंक का, तो फिर से अभी घर जा रहा है जिसमें एडसेंस लॉगिन उसको लेकर के आना, बड़ा झमेला है गाइस। गाइस फिर से बैंक पे आ चुके हैं, फ़ोन दिए एडसेंस वाला मैनेजर साहब को, देखते क्या होता है, कितना टाइम लगता है। वो उधर गए हैं अभी उस साइड में चेक करवाने के लिए। वहाँ एडसेंस से पेमेंट रिलीज कर दिया गया है, बट अभी तक 31 सितंबर हो गया, ये 1 सितंबर हो गया, अभी तक पेमेंट यहाँ नहीं आया है। मम्मी का अकाउंट जो है जी टाइम से कहीं नहीं कराते, एक सप्ताह के लिए इनको 1500 का नुकसान हो गया। एक्चुअली क्या होता है ना कि सर दिन भर वीडियो शूट करते रहते हैं तो उस वजह से टाइम नहीं मिल पाता है, तो हाँ इस सर से पूछ के भी गए थे कि हम एटीएम से अगर पैसा निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एटीएम इनका नाम है राजा बाबू कुमार, ये ब्लॉगर हैं यूट्यूब पे, तो इसका कुछ हम लोग कम्युनिकेशन करना होगा या ऑटोमेटिक आएगा? हाँ मैडम नोट कर लीजिए, राजा बाबू कुमार। ओके मैम, थैंक यू। ये जो है जी दो तीन दिन में कुछ बैक, तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैनेजर साहब के पास जैसे हमारा अकाउंट गया तो सबसे पहले हमारा चैनल ही सब्सक्राइब करने लगे कि भाई ये है कौन, इतने इतना डॉलर आ कहाँ से रहा है, थोड़ा सा संभव वाला बात हो जाता है। यहाँ पे समझाना पड़ता है कि भाई हमारा एडसेंस में पैसा आया फॉरेन कंट्रीज से आया है, तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से पैसा जो है ट्रांसफर नहीं हो पाया, एडसेंस में रिलीज कर दिया गया पेमेंट बट अकाउंट में नहीं आया, जहाँ जो US यानी फॉरेन डॉलर जो है ट्रांसफर किया गया तो वो नहीं हो पाया। तो अभी यानी आज 1 तारीख है, तीन तारीख यानी कल संडे है, परसों मंडे तक हमारा पैसा जो है ट्रांसफर हो जाएगा, और ये पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ। आप लोगों के साथ कोई यूट्यूबर देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अभी घर पे चलते मैं तो पूरा घबरा गया, तो भाई मेरा पैसा गया कहाँ, और हमें इस बात का डर है कि अगले मंथ भी ऐसा ना हो जाए, बट अगले मंथ आशा करते हैं कि यूनियन बैंक वाली जो है हमारा पैसा जल्द से जल्द ट्रांसफ़र कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी चलते हैं घर पे, घर जाके मिलते हैं आप लोगों से। बस इतना ही थोड़ा था, इसी इशू की वजह से पेमेंट नहीं आ रहा था, काफ़ी मैं परेशान था कि भाई मेरा पेमेंट क्यों ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो चलते घर पर मिलते हैं आप। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं घर पे, भाई साहब घर पे आना फिर दोबारा जाना ऐसा हो गया था ना कि सब लोग पूछ रहे थे वहाँ पे, मम्मी उसी बैंक से लोन भी ले रखी है, तो मैनेजर साहब को सब लोग बता रहे थे ये नया मैनेजर है और काफ़ी सारे बैंक में सब लोग पहचानते भी हैं, तो मम्मी को बोल रहे थे कि ये आप ही का बेटा है, यूट्यूबर है। चैनल चेक करके सब हैरान थे भाई, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ नया अजूबा हो रहा है वहाँ पर। हम खुद टेंशन में थे कि मेरा पेमेंट अभी तक रिसेंट, और सब लोग हमारे चैनल के पीछे टेंशन में थे कि भाई कोई कौन बड़ा यूट्यूबर आ गया है ना। ऐसा हो गया, तो चलो अभी एक दो दिन वेट कर लेते हैं, अभी फिलहाल खाना वाना खाएंगे, सवेरे से हमारे मम्मी लगे हुए हैं, पेमेंट आ जाते तो मम्मी जी के हाथों में दे देते, थोड़ा सुकून हो जाता, इधर उधर बाकी था वहाँ भी मिल जाता जल्दी से। हाँ मम्मी, हाँ बाकी वाला सब अभी तंग कर रहा है, त्यौहार का समय अभी चल रहा है तो मेला देखने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, बाइक को अंदर रख देते हैं, अब थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर अपना खाना वाना खा करके फिर ब्लॉग करेंगे। भाई
यूट्यूबर के लाइफ में सच बताए तो चैन नहीं रहता है, सुकून तो नहीं। खाने में निकला हुआ सब्जी रोटी, इधर भुजा हुआ सब्जी और प्यारा सा लोटा है पानी। मम्मी खिला दो अपना बेटा बेटी, भाई बहन मेरे बेटा बेटी जल्दी मुंह खोलो। हाँ। यहाँ से खाना खाता, अब हमको भी खिला दो। यहाँ पे देखिए अभी मम्मी को अनार तोड़ने में लगी हुई है, वहाँ अनार तो फरता है पर पिलुआ लग जाता है पिल्लू। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मम्मी को, बाजरा का पेड़ है ये। यहाँ पे देखिए मम्मी किस तरीके से अनार तोड़ रही है, ए, सब सूखा हुआ अनार गिर रहा है। तो गाइस अभी जो है हम पढ़ के आ चुके हैं और आज हमारे कोचिंग में 2 बजे छुट्टी हुआ है, इतना देर के सुबह खाना भी खा के नहीं गए थे इसीलिए, और अभी जाते हैं खाना खाने। और बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी को अनार तोड़ के ला दी है मम्मी खाने के लिए। रागनी दीदी देख रहे हो तो उसे लालच भी आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग मम्मी जी आ चुके हैं खेत में नींबू तोड़ने के लिए, ये गागर है। हाँ, और यहाँ पे देखिए बगल वाले खेत में केरा फरा है, यहाँ पे देख सकते हो और मम्मी तोड़ रही है नींबू। अरे वाह, गिर गया, उठा लेते हैं। इतना बड़ा नींबू है, इतना भारी है, देख सकते हो। रख देते हैं यहाँ पे, अभी जा रहे गागर को लेकर घर पे, खाएंगे मस्त छील करके इसे। और बाकी आप लोग देख सकते हो इतना घना जंगल है यहाँ पे, बहुत डर लगता है, हम अकेले नहीं आते, मम्मी के साथ में आते हैं। और बाकी देख सकते हो हमारा बेल फट चुका है और हम लोग खाएंगे, बस आम ही नहीं फट रहा है बस। वो इतना ज़्यादा थक गए थे ना, टेंशन ले लिए थे पेमेंट को लेकर के और अपने चैनल्स को लेकर के, फिर वैसे नींद आ गया। तो सुहानी अभी पढ़ के आई है और मम्मी देखो कौन सा फल लेके आई है, गागर। सो गागर का फल बोलते, एक दिन स्पेशल ब्लॉग इससे बनाएंगे ना मम्मी। हाँ। अभी है और कितोर लिए पूरा। हाँ, अभी चपाती है ना, काटिए तो इसको जरा दिखाएं भैया लोग को। अब देखो गाइस पूरे तरीके से इसका जो होता है छिलका ये हट गया है, अब देखना कितना स्वादिष्ट फल निकलेगा इसके अंदर से। ये हुआ खाने वाला फल, ये इसको चाय बोलते हैं ना मम्मी। देखो हम खा कर दिखलाते हैं, ये जो होता है मीठा मीठा होता है। मीठा है मम्मी, मीठा है। खिला दो सब बच्चों, सबको भाई बहन सब आकर के खा लो। ये बिहारी फल होता है, यूपी में भी ऐसे पाया जाता है बट बहुत कम लोग जानते हैं इसको ना। हाँ, यूपी में कम जानते हैं। इसको बीच बीच छील के लाइए ना, खा के देखते हैं, मजा आ गया। मजा आ गया खाकर, खाओ तुम देखो कितना मीठा, खाओ खाओ। ये कच्चा अनार खा रही है। ऐसे भी हो चुका है इवनिंग का टाइम, अभी जा रहे बर्तन धुलने और खाना बनाएंगे बर्तन धुल करके। मम्मी कहाँ गई है? मम्मी दुकान गई है राशन लाने के लिए। हाँ। अरे वाह मेरी प्यारी बहना, ठीक है जाओ। हाँ, मेरी प्यारी भैया। तो इवनिंग में व्लॉग इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि नवरात्रि चल रहा है, चारों तरफ गाना बजता रहता है, कहीं कॉपीराइट का इशू ना आ जाए, इस वजह से जो है शाम में व्लॉग हम जल्दी से कर नहीं पाते हैं। अभी आपकी मम्मी जी लाई हैं 2 कुरमुरे, देखे मम्मी, और क्या क्या लाई हूँ, दाल लाई है, भिंडी लाई है, और क्या है, भिंडी है। अरे वाह, भिंडी का भुजिया बनाओ ना मम्मी, भिंडी का भुजिया बनवा लो, दाल चावल बनवा लो, नहीं होगा तो महारानी साहब, महारानी साहब, महारानी लो, अभी कुरकुरा कुरकुरा देंगे, अभी सही हो जाएगा, अभी मस्त अभी खाना बनेगा। ओ महारानी, अरे उन्हें कहे घुरा तारू हो। आई होप गाइस के ब्लॉग के लिए इतना ही, समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, अदर स्टेट से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, बगल में इंस्टाग्राम कर जाकर के फॉलो कर लीजिए। और गाइस एक डाउट है, अगर आप लोग बैंक से रिलेटेड कोई बैंक में काम करते हैं तो बताइएगा कि मुझे ना डर लग रहा है कि जो पेमेंट ट्रांसफर किया जा रहा है, 2-3 जगह बात किया गया था पेमेंट को लेकर के कि इनका पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, इनका पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। तो हालांकि संडे और शनिवार को ऐसा होता है कि इतवार को और शनिवार को जो है डॉलर ट्रांसफर नहीं होता है फॉरेन कंट्री से, बट मुझे डाउट है बैंक के ऊपर में, मुझे डर सा लग रहा है कि पैसा कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो क्यों मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बातचीत हो आगे बढ़े, क्योंकि सिंपली सा मैं लड़का हूँ, पैसे यूट्यूब से आता है मम्मी पापा को देता हूँ, इधर उधर का जो कर्ज रहता है बाकी उनको देता हूँ,
तो यूनियन बैंक में ऐसा कुछ होता तो नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, नहीं तो मैं खाता अपना चेंज कर लूँगा, कहीं अलग मैं अपना ओपन करवा लूँगा। कोई बड़ा बहुत सारे बैंक है, काफ़ी सारे बड़े यूट्यूबर उसमें अपना खाता ओपन करवा चुके हैं, बट हमने सोचा था कि यूनियन करीबी पड़ता है यहाँ पे और अपना चला भी जाऊँगा, अपने पेमेंट भी उठा लेंगे, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। बट आप लोग प्लीज़ हमें सजेशन दो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं दो दिन से सोच में पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे डाउट सा लग रहा है, थोड़ा सा तो डाउट है ही, क्योंकि पेमेंट नहीं आया, ऊपर से इतना टाइम चला गया, फिर उसके बाद सही से काम नहीं हो पा रहा है बैंक में, और कुछ भरोसा भी नहीं दिया जाता है कि हाँ आपका काम हो जाएगा, तो इसलिए मुझे डाउट लग रहा है। तो आप लोग प्लीज़ हमें समझाओ कि कोई फ्रॉड वगैरह वाला सीन तो नहीं है ऐसा कुछ, तो इसलिए थोड़ा सा मन घबराया है। तो बगल में इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो कर लो, प्लीज़ मुझे समझाने की कोशिश करो कमेंट में कि हाँ क्या होता है, नहीं अगर यूनियन बैंक से कोई देख रहे हैं तो। आई होप कल हमारा पेमेंट आने वाला है, आज संडे है तो कल आ जाएगा, तो आप लोग को अपडेट मिल जाएगा, नहीं आएगा तो भी ब्लॉग आप लोग को देखने को मिलेगा। बट फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए भाई, जब गूगल से गूगल एडसेंस से आपको सारा सब कुछ यहाँ से रिलीज कर दिया गया, सब यूट्यूब की तरफ से सारा कुछ हाँ है कि आपको पैसा भेज दिया गया, पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ, क्यों ना हुआ ये भी सोचने वाला बात है, टेक्निकल इशू हो सकता है मानते हैं, बट इतना दिन कैसे होता है, 10 दिन होने वाला है समझिए, तो 10 दिन बहुत मायने रखता है बैंक के लिए। तो यूनियन बैंक से कोई देख रहे तो प्लीज़ हमें समझाने की कोशिश करें, ऐसा फ्रॉड वगैरह वाला तो सीन नहीं कि मेरा पैसा उधर ही से रख लिया गया और यहाँ पेमेंट आया ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस गाइस प्लीज़ सपोर्ट करने की कोशिश करो, बगल में इंस्टाग्राम का आईडी है, 1,93,000 कंप्लीट हो गया, 2 लाख कंप्लीट करवाओ, बाकी आप लोग मेरे माता पिता, तो आप ही लोग से सजेशन लेता हूँ, इसी जगह से आगे बढ़ा हूँ, यहीं से मेहनत करके 2-4 रुपये कमाता हूँ, अपने माता पिता को देता हूँ और उसी में अपना घर संसार बसाने की कोशिश करता हूँ कि हाँ इसी में खुश रहना है, बस और क्या चाहिए लाइफ में, सब धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, बस सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ हमें सजेशन दीजिए कि ये सच है या झूठ है, कि ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है बैंक में, तो प्लीज़ हमें समझाने की कोशिश करें। और अपना किंतु निकाल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आई होप आप लोग सपोर्ट करोगे, समझाओगे, मुझे अपने ऑडियंस से विश्वास है, मेरे यूट्यूब चैनल